मंदिर में कोई चप्पल पहन के नहीं आता, कोई नशा भी नहीं करता, और आप वो तो पत्थर है। उसको देवी जी ने बोला क्योंकि उसने सहन किया, एक हमारी भावना है श्रद्धा है, लेकिन असली देवी की आत्मा कौन है? आपके शरीर में जो आत्मा है देवी बन के आई है जन्म लेते लेते, वो देवी की आत्मा है। लेकिन फिर भी हमको देख करके लोगों को ये लगता है क्यों? अभी तो संस्कार नहीं बदले, हम निगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को पेट की बीमारी होगी, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होगी, इसलिए कहते हैं ना तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, गुस्से से देखेंगे, जिसकी आंखें फाड़ता है आंखों की पुतली फैल जाती है, फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जांच कर मुझे धुंधला दिखता है, कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा, चश्मा को लगाया फिर भी बुराई लगना नहीं छोड़े, नंबर बढ़ता ही जाए। आज किसी को बुखार होता है, जिसको फीलिंग आते है उसको फ्लू होता है, फीलिंग की फ्लू। आज किसी को ज्वाइंट दर्द होते हैं, मसल दर्द होते हैं गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ तो सही क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, दबा कर रखेंगे दमे का प्रॉब्लम होगा। आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा अच्छा। आज किसी को स्पॉन्डाइलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम, शुगर होती है, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इसकी मम्मी हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है मुझे नहीं पूछता, अभी मेरे साथ ऐसा करता है बुढ़ापे में पता नहीं क्या करे, हल्तू के ऐसे निगेटिव से शुगर पैदा होती है। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, होती है 30% चीनी 70% निगेटिव। तो ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान केवल सतयुग के लिए नहीं, वर्तमान जीवन अगर खुश रहना है, वर्तमान जीवन शांति का अनुभव करना है, ये ज्ञान बड़ा जरूरी है। आज किसी को स्पॉन्डाइलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे हैं, जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखें कि वो क्या करती है, इधर क्या हो रहा है, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डाइलाइटिस होता है, डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर कहता है आपको स्पॉन्डाइलाइटिस हुआ, चेक करता है, फिर बड़ा सा एक पट्टा लगाता है, जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर